ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे नोबिता मेरी वजह से क्या हुआ है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया नोबिता। दोस्तों अब जो होना था हो गया, अब हमें यहाँ से एस्केप करने पे ध्यान देना पड़ेगा, समझ गए तुम लोग? और ये फालतू में लड़ना झगड़ना बंद करो तुम। अरे हाँ गोरिल्ला भैया यार, पहली बार आपने कोई बढ़िया बात कही है। चलो चलो यहाँ पर इन ड्रॉअर्स में देखते हैं इसमें क्या है। इसमें तो कटिंग प्लायर है दोस्तों। चलो इसे मैं बंद कर देता हूँ और यार यहाँ से अब आगे चलते हैं। अरे एक मैं तो वहाँ से टकरा गया और वहाँ से वो पेंटिंग गिरी है। अरे एक अरे दोस्तों ये देखो यहाँ पे क्या है। दोस्तों कोई भूतिया चीज है, ऐसे तुम लोग बिल्कुल भी मत छूना। नोबिता बेवकूफ बच्चे कहेंगे, तुम हमें ज्यादा मत बताओ, मैं तो एलिवर खींचूँ और ये देखो मैंने एलिवर खींच भी दिया। जी यार ये तुमने क्यों किया, यहाँ पर तो भूकंप आ रहा है। बस बस ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। और ये देखो यहाँ पर तो कोई खुफिया दरवाजा खुली है और यार यहाँ पर तो ये देखो बहुत अजीब अजीब तस्वीरें हैं यहाँ पर। और ये देखो तो मुझे कोई किराने की मकड़ी जैसी लग रही है यार। ये तो वो मकड़ी है जो कि हमने स्लेंडर एक्स में देखी थी। और यार दोस्तों मेरे को लगता है हमें यहाँ पर कुछ रखना पड़ेगा, मेरे को लगता है हमें वो बुक रखनी पड़ेगी। ओहो दोस्तों अब मुझे समझ आया, वो बुक हमें यहाँ पर रखनी होती है। डोरेमोन तुम फालतू में क्यों तांत्रिक वांत्रिक बन रहे हो, जोड़ो ना। अरे नहीं नोबिता आज मैं पता करके रहूंगा। और ये देखो किराने की बच्ची हमारे पीछे पड़ गई दोस्तों। ऐसे जल्दी से हमें भागना पड़ेगा और हमें वो बुक भी ढूंढनी पड़ेगी दोस्तों। ये पकड़ून भी है, जल्दी से भागो, रेस लगाओ यार, ये ग्रैनी की बच्ची हमारे पीछे पड़ गई। अरे सिंचन मेरे को लगता है अब ग्रैनी हमारे पीछे नहीं, और अलमारी में देखो हमें बुक मिल गई सिंचन। अरे और यार ये हमें जल्दी से भागना पड़ेगा दोस्तों, जल्दी से भागो भागो। ए नोबिता क्या तुम मुझसे पिटना चाहते हो, इतना धीरे धीरे क्यों भाग रहे हो? हां जियान मेरी इतनी स्पीड है। अरे जियान अब छोड़ो क्या नोबिता को, तुम भी क्या बोलो, अब तो हम पहुंच भी गए। चलो मैं काम करता हूं यार, यहां पर देखता हूं कहीं ग्रैनी तो नहीं आ रही, कहीं यार वो हमारा खेल खत्म ही करते। मेरे को लगता है दोस्तों यहाँ पर ग्रैनी नहीं आ रही है। डोरेमोन यहाँ पर ये बुक मत रखना। नोबिता तुम शांत रहो, ये बुक रख दो डोरेमोन और देखते हैं क्या होगा। अरे ये क्या यहाँ पर, ये कौन निकल रहा है, यहाँ पर तो कोई कैदी है। पकड़ीमोन भैया ये तो बिल्कुल ग्रैनी जैसी लग रही है, कहीं ग्रैनी की बहन या ग्रैनी की मम्मी तो नहीं। अरे शिनचैन यार मुझे क्या पता ये कौन है। अच्छा मैं ग्रैनी की मम्मी हूँ, मेरा मतलब ग्रैनी की माँ हूँ, मैं सुपर ग्रैनी हूँ बच्चों। अगर तुम बच्चे मेरी मदद करोगे तो मैं यहाँ से तुम्हें आजाद करने में मदद करूंगी। डोरेमोन इस पे भरोसा मत करना, ये हमारा बेवकूफ बना रही है, ये हमें मार डालेगी डोरेमोन। अरे नहीं बच्चे मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। हे सुपर ग्रैनी आंटी पर हम ये कैसे मान लें? अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम और मैं, मतलब मैं और तुम बच्चे एक हो जाएंगे और हम सुपर ग्रैनी बन जाएंगे। और सुपर ग्रैनी बनने के बाद तुम सब बच्चों में भी बहुत सारी पावर्स होंगी ग्रैनी जैसी, और तुम लोग यहाँ से फटाफट से भाग भी सकते हो, तो तुम लोग तैयार हो? अरे पकड़ीमोन भैया क्या करें आप ही बताओ। अरे दोस्तों यार मुझे लगता है हमें इस बुढ़िया की बात मान लेनी चाहिए, मेरे को लगता है ये सच बोल रही है। डोरेमोन ये बिल्कुल भी सच नहीं बोल रही है। नोबिता तुम शांत रहो तो अच्छा, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। बच्चों बताओ क्या कहना है तुम्हारा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी यहाँ से निकल पाऊंगी, मुझे भी यहाँ से भागना है, मुझे भी बाहर की दुनिया देखनी है बच्चों। अरे हाँ सुपर ग्रैनी हम तैयार है, बताओ अब हमें क्या करना पड़ेगा? बच्चों अब तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं करूंगी। अरे दोस्तों यार ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों हो रहा है दोस्तों? दोस्तों मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था उस बुढ़िया पे यकीन मत करो, पर तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं मानी है, देखो क्या हो गया, यहाँ पर इतना अंधेरा हो गया दोस्तों। अरे हाँ नोबिता तुम सही कह रहे थे। अरे एक मिनट ये क्या हो गया दोस्तों, ये देखो ये तो हम ग्रैनी बन चुके हैं। ये तो पकड़ीमोन भैया इसका मतलब वो सुपर ग्रैनी सच कह रही थी। अरे हाँ शिनचैन तुमने सही कहा, अरे सुपर ग्रैनी जी कहाँ हैं आप, हम आपकी मदद करते हैं। बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब हम सब एक हो चुके हैं बच्चे, और चलो फटाफट से यहाँ इस ग्रैनी बिटिया के घर से बाहर निकलते हैं। अरे सुपर ग्रैनी आंटी यार अब तो बहुत अच्छी हो यार, मैं तो अब जैसी आंटी आज तक नहीं देखी, और वो अपनी बिटिया को यार कुछ समझाओ ना, वो तो हम टाइम हमें अपने डंडे से मारती रहती है। अरे बिटुआ एक बार मेरी बिटिया को मिल ले तो अब मैं अपनी बिटिया की इतनी पिटिया करूंगी वो याद रखेगी। भाई ग्रैनी की बच्ची रुक जा, तेरी मम्मी खड़ी है। अरे बाहर चिंता कैसे हो गई, जरूर आपको डोरेमोन और उसके दोस्त रहे चिंता क्यों होगा। सबसे पहले तो ये ले, मैंने तो तुझे बचपन में सर पे चढ़ा दिया था, तभी तो मेरे सर पे आज चढ़ गई। चल अभी तेरी क्लास लेती हूँ, चल नीचे हो। अरे वहाँ छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं नहीं करूँगी कोई गलती, वहाँ छोड़ दीजिए। अरे वहाँ मेरा मेकअप खराब।
खराब हो जाएगा, छोड़ दीजिए ना। आज तो मैं तेरा ऐसा मेकअप करूंगी बिटिया, तू याद रखेगी, चल भाग यहाँ से। अरे सुपर ग्रैनी आंटी यार, अब तो बहुत ही बढ़िया हो यार, अब तो बहुत ही अच्छी हो यार, आपने तो ग्रैनी को लाइन पर ला दिया, और ग्रैनी आपके सामने कैसे भीख मांग रही थी। अरे बस तो मजा ही आ गया सब देख कर। अरे बेटा जब मैं जवान थी ना तब ये सब लोग कुछ भी नहीं था, मैं तो बड़े बड़े पहलवानों को मार के रखती थी। अरे सुपर ग्रैनी आंटी आप मेरे साथ पहलवानी मतलब मेरे साथ रेसलिंग करना, जरा फिर देखते हैं कौन जीतता है। अरे बच्चे अपना साइज देख और मेरा साइज देख, तू ही जीत जाएगा रे। अरे दोस्तों यार तुम सब लोग ये फालतू की बकवास करना बंद करो, सुपर ग्रैनी जी अब हमें यहाँ से एस्केप करना है तो थोड़ा सीरियस हो जाओ। अरे डोरेमोन बिटुआ मैं तो सीरियस ही छू। अरे दोस्तों यार चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर तुम्हें कटिंग प्लान मिला था ना शिनचैन, चलो यार वही लेकर आते हैं और यहाँ पे इस घर की सारी बिजली काट देते हैं दोस्तों। अरे हाँ पुकड़ीमोन भी यार इसी ड्रॉअर में था वो कटिंग प्लान। अरे डोरेमोन बिटुआ मेरी बिटिया जिंदा हो गई, इसको जरा मुझे मारने दो। अरे मार, मुझे इतना क्यों मार रही हो। अरे दोस्तों यार चलो हमें कटिंग प्लान मिल गया, चलो यार यहाँ से सबसे पहले ऊपर चलते हैं, बिजली हम बाद में काटेंगे, तो चलो यार सबसे पहले ऊपर चलते हैं, ऊपर हमें बहुत जरूरी काम है। अरे ऐसे क्या है पुकड़ीमोन भैया। अरे दोस्तों यार मैं तुम लोगों को अभी बताता हूँ, ये देखो हमें इन प्लैंक्स को निकालने के लिए हैमर की जरूरत होती है, मैं बिना हैमर के इन प्लैंक्स को निकालूंगा। देखो सब प्लैंक्स निकल गए दोस्तों, सिर्फ एक डंडा मारने से क्यों हूं ना दोस्तों यार, मैं बहुत बड़ा प्रो प्लेयर। ओए नीले रकुंड हो गया तो कोई भी कर लेगा, फालतू की बकवास बंद करो तुम और ये प्लैंक यहाँ पर लगाओ। अरे डोरेमोन ये तुम यहाँ पर प्लैंक क्यों नहीं लगा रहे हो। अरे जी यानी यार मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ ये प्लैंक लगाने की, पर मैं लगा ही नहीं पा रहा। पुकड़ीमोन भी यार आप ये प्लैंक क्यों नहीं लगा पा रहे हो। अरे शिनचैन यार पता नहीं ये प्लैंक क्यों नहीं लगा पा रहा मैं। अरे यार मेरे को लगता है हम ग्रैनी बन चुके हैं तो इस वजह से हम वो प्लैंक भी नहीं लगा पाएंगे। अरे पुकड़ीमोन भी यार यार फिर तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, अब क्या होगा। अरे शिनचैन यार पता नहीं अब हम क्या करेंगे यार, अब दोस्तों यार कुछ करना ही पड़ेगा यार, हमें यार दूसरी तरफ जाना है, अब हम क्या करेंगे। डोरेमोन मैंने तुम्हें पहले ही कहा था सुपर ग्रैनी उड़ानी मत भर, तुमने मेरी बात नहीं मानी है। डोरेमोन हम यहाँ से एस्केप कैसे करेंगे। नोबिता आखिर तुमने सुपर ग्रैनी के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। दोस्तों काफी डर लग रहा है मुझे। अरे सुपर ग्रैनी जी आपके पास तो कई सारी सुपर पावर्स है ना, तो कोई यार सुपर पावर यहाँ पे इस्तेमाल करो ना ताकि हम दूसरी तरफ जा पाए। अरे शिनचैन बिटुआ तो इतनी सी बात थी कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोला, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, एक बार मैं अपनी बिटिया को पहले सुला दूं। ये देखो इसने तो अपने दांत भी साफ नहीं करे, ये ले तू ये डंडा खा मेरा, इसको मैंने कितनी बार कहा ब्रश कर लेकर ब्रश कर लेकर पर ये करती नहीं है। अरे डोरेमोन बिटुआ चलो ये देखो ये रही मेरी सुपर पावर, तुम आर पार जा सकते हो कहीं भी, पर यार ये सीमित समय तक के लिए ही है। अरे सुपर ग्रैनी जी यार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए काम करती है पुकड़ीमोन भैया सेफ की उठा लेते हैं, और ये क्या हमारा कटिंग प्लेयर तो उड़ रहा है पुकड़ीमोन भैया। अरे शिनचैन इसको हम एक काम करते हैं हम नीचे फेंक देते हैं। अरे यार ये तो नीचे भी नहीं फेंका जा रहा हमसे यार, एक काम करते हैं इसको हम दोबारा से नीचे फेंकते हैं, और यार ये तो अपने आप ही हवा में उड़ रहा है। अरे नीले रकून डॉग तुम्हारा दिमाग क्या घुटने में है क्या, आप देखो अरे ये क्या ये तो अभी भी उड़ रहा है। अरे यार जान ऐसा नहीं है, अब मैं क्या करूँ जब ये हवा में उड़ रहा है यार। चलो एक काम करते हैं कटिंग प्लेयर का हम सबसे पहले सारा काम ही खत्म कर देते हैं, मैं सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भगा देता हूँ। चलो एक हमने स्विच काट दिया और अब हमें दूसरा तार काटना है दोस्तों, बस ये दूसरा तार काटने के बाद हमारा कटिंग प्लेयर का काम खत्म हो जाएगा। अरे यार ये क्या बक्से से तो ये निकल ही नहीं रहा। अरे भाई निकल जाए यार अब तेरी क्या हुआ। चलो अब मैं तार काट देता हूँ, ये देखो दोस्तों कटिंग प्लेयर का काम खत्म हो गया, और मेरे को लगता है ग्रैनी के हमारे उसका असर भी खत्म हो गया दोस्तों। अरे पुकड़ीमोन भैया शायद अपने सही कहा। अरे बच्चों कोई बात नहीं तो दोबारा से चल जाएगा, और सबसे पहले मैं अपनी बिटिया को मार देती हूँ, बहुत आवारा फिरती रहती है। दोस्तों सुपर ग्रैनी तो बिल्कुल मेरी मॉम की तरह है, जैसे मेरी मॉम मुझे मारती रहती है वैसे ये भी ग्रैनी को मारती रहती है। अरे नोबिता यार छोड़ो तुम फालतू की बकवास बंद करो, अपनी ग्रैनी जी अपने पावर को चालू करिए ना। अरे हाँ डोरेमोन बिटुआ ये लो मैंने पावर चालू कर दी, अब जल्दी से अपना सारा यहाँ से ताम जाम उठा लो। अरे हाँ सुपर ग्रैनी जी ये देखो मैंने अपने सेफ के उठा लेता हूँ, और यार अब तो चलो सुपर ग्रैनी जी अपनी पावर से हम नीचे चलते हैं, और चलो यार अब मैं काम करता हूँ यहाँ से मैं नीचे बेसमेंट में चलता हूँ और ये सेफ किसे खोल देता हूँ। अरे यार क्या इसमें तो कार की है, चलो इस कार की से हम बाद में खोलेंगे कार की डिक्की को। नीले रकुंडों का अभी तक असर खत्म नहीं हुआ है तो चलो स्क्रू ड्राइवर भी उठा लेते हैं। अरे यार ये क्या यहाँ पर तो बिल्कुल ग्रेविटी काम ही नहीं कर रही है, तो सब चीजें हवा में उड़ रही है यहाँ पर। हाँ जी हाँ तुमने सही कहा, और यहाँ पर तो बिल्कुल ग्रेविटी काम ही नहीं कर रही, और ये क्या ग्रैनी आ रही है, और ग्रैनी ये ले तो मेरा डंडा खा, मेरा मतलब सुपर ग्रैनी का डंडा खा। पुकड़ीमोन भैया अपनी ग्रैनी को मार दिया, अगर अगली बार ग्रैनी जिंदा हुई तो उसको मैं मारूंगा। अरे हाँ शिनचैन तू भी हाथ साफ कर लेना इस ग्रैनी पे अपना। ओए दोस्तों और अगली बार मैं भी मारूंगा इस ग्रैनी को डंडा। अरे हाँ हाँ
जैन तुम भी मार लेना, तुम भी मार लेना, भला तुम क्यों पीछे रहोगे जैन? दोस्तों और मेरा भी ग्रैनी को डंडा मारने का मन हो रहा है। नोबिता तुम ग्रैनी को डंडा नहीं मार सकते, समझ गए तुम? और अब ये फालतू की बकवास बंद करो, जब ग्रैनी जिंदा होगी तब देखा जाएगा। चलो हम ये सबसे पहले स्क्रू खोल देते हैं। और दोस्तों यार इसमें क्या, इसमें तो हमें पैडलॉक की मिल गई दोस्तों। अरे वो अरे वो दोस्तों हमारे तो पल्ले पल्ले हो गई। अरे वो अरे वो यार कितना वाह करूँ मैं। अरे वो यार दोस्तों मजा ही आ गया, पैडलॉक की मिल गई है तो हमें मास्टर की चाहिए, और मास्टर की तो हमें मिली जाएगी दोस्तों। अरे हाँ यार सिंचन तुमने सही कहा, चलो एक काम करते पैडलॉक की से इसका ही ताला खोल देते। अरे यही तो ताला है। अरे हाँ चलो खुल गया। और यार अभी तो हमें पैडलॉक कोड भी चाहिए, और अभी तो हमें मास्टर की और एक हैमर भी चाहिए दोस्तों। अभी तो यार हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। पकड़ून भैया ये सब चीजें मिल जाएंगी। और ये देखो ग्रैनी आ गई। और ग्रैनी ये ले। अरे पकड़ून भैया चलो मैंने भी इस पे अपना सर्व कर दिया। अरे वो मजा ही आ गया पकड़ून भैया। दोस्तों मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, अगली बार मैं इस ग्रैनी पे हाथ साफ करूंगा अपना, समझ गए तुम लोग? अरे हाँ हाँ जी यार तुम ही कर लेना हाथ साफ उस पे अपना, हमें नहीं करना उस पे हाथ साफ अपना। चलो यार दोस्तों नीचे चलते हैं यार एक बार। अरे यहाँ पर चलो ग्रैनी के कौवे को देख लेते, इसके पास खैर इसके पास तो रिमोट कंट्रोल है जो की हमें नहीं चाहिए दोस्तों। हमेशा एक ग्रैनी का कौवा सड़ी हुई चीजें रखते हैं। और यार देखिए यहाँ पर तो हमें निशाना मारना, और यहाँ पर तो विंच हैंडल रखा हुआ है दोस्तों। अरे सुपर ग्रैनी जी अपनी पावर का इस्तेमाल कीजिए ना। अरे बच्चे गेले। अरे थैंक यू सुपर ग्रैनी आंटी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। चलो चलो पकड़ीमोन भैया जल्दी से विंच हैंडल उठाते हैं और इसको इसकी सही जगह पर ले चलते हैं। अरे हाँ चिंचन चलो चलो जल्दी से इसको इसकी सही जगह पर ले चलते हैं। अरे वाह यार यहाँ पर तो हवा में उड़ने में मजा ही आ रहा है दोस्तों। अरे हाँ पकड़ीमोन भैया आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसी हवा में राइड तो आज तक मैंने भी नहीं ली यार, काफी मजा ही आ रहा है। अरे दोस्तों यार काफी मजे हो गए, चलो चलो मैं इसको इसके कुएं पर लगा देता हूँ। यार चलो दोस्तों यार जल्दी से आगे चलते हैं। और चलो मैं इसको यहाँ पर ये फिट कर देता हूँ। और ये देखो मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। और चलो मैं इसको घुमाता हूँ, देखते हैं हमें क्या मिलता है। यार दोस्तों कोई काम की चीज मिल जाए मास्टर की वगैरह तो मजा ही आ जाएगा। पकड़ून भैया ये देखो इसमें से क्या रहा है, इसमें से तो हैमर आ रहा है। अरे हाँ पकड़ून भैया इसमें से तो हैमर आ रहा है। चलो दोस्तों यार हमारा काम तो आसान हो गया। और ये देखो ग्रैनी आ रही है, चलो मैं इसको डंडा मार देता हूँ। डोरेमोन ग्रैनी को डंडा मारने की मेरी बारी थी, तुमने क्यों मार दिया? तुम बहुत बुरे हो डोरेमोन। अरे नोबिता यार तो फिर क्या हो गया, अगर तुम उसे डंडा नहीं मार पाए तो अगली बार मार लेना। चलो मैं काम कर दो हैमर से फट्टे को निकाल देता हूँ। पकड़ून भैया चलो एक काम करते हैं, जो हमें सेफ की से वो मिली थी ना कार की, चलो यार कार की से कार की डिग्गी को खोलते हैं और देखते हैं हमें कार की डिग्गी में से क्या मिलेगा। अरे चिंचन मेरे को नहीं लगता कि हमें उसमें से कोई खास चीज मिलेगी, अगर तुम कहते हो तो फिर भी मैं देख लेता हूँ। ये देखो यार यार इसमें तो मास्टर की मिली। अरे वाह दोस्तों मास्टर की। अरे वाह। अरे चिंचन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब चलो यार बस अब हमें पैडलॉक कोड चाहिए जो की मुझे पता है कहाँ पर है। डोरेमोन एक मिनट मुझे ग्रैनी को डंडा मारना था। अरे ये ले आखिरकार इस ग्रैनी को डंडा लगेगा। नोबिता सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ तुम हमेशा रोते क्यों रहते हो नोबिता? हाँ क्या तुम्हें कोई बीमारी है रोने की? अरे जी नहीं यार तुम नोबिता को छोड़ो, तुम भी कहाँ उसके पीछे पड़े रहते हो। चलो एक काम करते हैं यार, मेरे को पता है वहाँ पर हमारा पैडलॉक कोड कहाँ है, अब बस पैडलॉक कोड ही रह गया। तो चलो यार चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर ग्रैनी का कौवा है, शायद वहीं पर है हमारा पैडलॉक कोड। और यार ये तेरी हमारा पैडलॉक कोड है, ये देखो पैडलॉक कोड हमें जैसे तैसे करके मिल गया दोस्तों। ओए ग्रैनी की बच्ची ये ले तू। अरे दोस्तों यार अब सबका काम हो गया ना, चलो मैं काम करता हूँ जल्दी से पैडलॉक कोड को यार वहाँ पर फिट कर देता हूँ। और फिर यार दोस्तों यहाँ से एस्केप करते हैं। अरे डोरेमोन बिटुआ तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं बाहर जाकर खूब मजे करूंगी। उससे पहले मैं अपने बिटुआ को एक बार दवाई तो दे दूं। ओए ग्रैनी बिटिया आ ये ले तू डंडा खा। पकड़ून भैया चलो चलो अब जल्दी से चलते हैं, हो गया अब सबका काम तमाम। अब चलो यार मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अरे ग्रैनी तो बिल्कुल पोज दे के यहाँ पर लेट गई। चलो छोड़ो कोई नहीं, अब चलो यार अभी यहाँ से फटाफट से स्केप करते हैं। अरे दोस्तों ये देखो हमारा स्केप हो गया। अरे अब तो काफी मजा जाएगा दोस्तों।